वेलकम टू माई चैनल हाफिज़ फार्मा। आज की वीडियो में बात करेंगे कि वैग्रा टैबलेट के मुतालिक, ये इंसान को लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो मैं आपको बतला दूं कि ये वैग्रा ना, ये वो लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं जो अदर कंट्रीज़ में काम करने के लिए जाते हैं, या फिर घर से दूर किसी दूर सिटी में जहाँ पे डेली बेस पे घर में नहीं आ सकता इंसान। यानी कि इंसान मंथली में एक मंथ बाद आता है, या दो मंथ बाद आता है, या छः मंथ बाद आता है, अदरवाइज़ जितनी भी देर बाद आता है, ज़्यादातर उन लोगों की इस तरह के रिक्वायरमेंट होती है कि बात करते हैं यार हमें इस तरह की प्रोडक्ट मिल जाए, इस तरह की मेडिसिन मिल जाए ताकि हम जब घर जाएँ तो हम इसका इस्तेमाल करें ताकि हमारा रिलेशनशिप अच्छी हो जाए। तो मैं एक बात बताऊँ आपको, क्या आप इसको इस्तेमाल करके क्या आपने कुछ जंग लड़नी है? तो इस तरह का तो कोई मसला नहीं होता ना। अल्लाह ताला ने एक अल्लाह बंदे का एक निज़ाम बनाया है तो बड़ा अच्छा और बेरा बेहतरीन बनाया है। अगर आप उसके मुताबिक रह करके हम काम करेंगे तो हमें अच्छा भी फील होएगा तो और हमें मज़ा भी आएगा। तो आपने टिकटॉक में, इधर स्नेक वीडियो में और इस तरह और बहुत सारी सोशल मीडिया के ऊपर ना आपने इस तरह के ये देखे भी होंगे, कमेंट्स पढ़े भी होंगे और क्लिप देखे भी होंगे जिसके अंदर ये बात की जाती है कि मैंने ये करना है, मैंने वो करना है इसे खा करके। तो भाई आपने जो आपने डंडा खड़ा करना है, जो आपने किला खड़ा करना है, तो भाई अगर आपको जो अगर नेचुरली कोई प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए भी बेहतरीन अदवियात मौजूद हैं, आप उसके इलाज के लिए बेहतरीन मल्टी विटामिन की मेडिसिन मौजूद हैं, आप उसको इस्तेमाल करें तो उसका साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। अगर आप इसको इस्तेमाल करते ना, जो वैग्रा वगैरह को, इस तरह की और बहुत सारी टैबलेट हैं, तो इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, ये बंदे को बिल्कुल ही ख़त्म कर देती है। और इसलिए मेरी कोशिश यही होती है कि जो भी इस तरह का मेरे पास आए मैं इस तरह की मेडिसिन की तरफ उसको ना लेकर जाऊँ। वक्ती तौर पर इंसान को फ़ायदा हो जाता है 2-4 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, तो भाई आप इसके लिए जो प्रॉपर इलाज कराएं, मल्टी विटामिन की मेडिसिन लें और आप अपनी खुराक को मेंटेन करें, अच्छी करें, तो इंशाल्लाह आपकी जो परेशानी है वो भी ठीक हो जाएगी। और आप जब भी आएंगे अपने घर में, अपने बीवी के पास, अपने वाइफ के पास, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कोई भी किसी किस्म की भी। तो मेरी कोशिश ये होती है कि जब भी कोई इस तरह की मेडिसिन के मुतल्लिक बताया जाए ताकि सिर्फ फ़ायदे नहीं और उसके साइड इफ़ेक्ट भी जो होते हैं, ताकि आपको पता हो कि हमने मेडिसिन कौन सी लेनी है और उसको लेने के बाद हमें रिज़ल्ट क्या निकलेगा। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी और इसके मुतालिक आप इससे परहेज़ करें, बचें, तो इसे ना यूज़ करें। आप और मेडिसिन है उसे खाएं, अपनी खुराक अच्छी करें और तो इंशाल्लाह आपकी ये मर्दाना कमज़ोरी है ये ताकत में बदल जाएगी और आप हेल्दी हो जाएंगे। जब सेहत अच्छी होगी, ताकत होगी, तो वजूद के अंदर एक हशाशत आ जाएगी, बशाशत आ जाएगी, तो आप जब भी अपनी वाइफ के पास जाएंगे तो आपको अच्छा फील होगा और उसके बाद भी आपको ये महसूस नहीं होगा कि मैंने क्या कर लिया है। और अगले 2-4 दिन आप एक मुर्दा जिस्म की तरह पड़े रहो, फिर ये नहीं होगा, फिर आप अगले दिन भी हशाश बशाश रहेंगे। तो इसलिए आप इन चीज़ों से इनवाइट करें और नेचुरली जो ग़ज़ाएँ हैं आप उसका इस्तेमाल करें। तो ये थोड़ी सी इसके मुतालिक इंफॉर्मेशन थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद हुई होगी। तो अगर कोई जुमले इसमें सख्त हों उसके लिए माजर, खुश रहें, आबाद रहें।